हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है एलजी, हम एलजी को आज बेस लेवल पर डीपली स्टडी करेंगे। हम एलजी की आज हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, अक्रेंस और इसके लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हम एलजी की हिस्ट्री की तरफ आते हैं। फेलिक्स यूजिन फ्रेट्ज, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलजी में 8 क्लासेस में डिवाइड किया एलजी को। किसकी बेस पर? पिगमेंट्स की बेस पर, रिजर्व फूड की बेस पर, फ्लैजिलेशन, थैलस स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। इन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलजी में एलजी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया और पिगमेंट, रिजर्व फूड इनकी बेस पर, और इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी को ही कहते हैं। द वर्ड एलजी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वेयर अल्गा मीन सी वीड। ये भी एक मैराइन एलजी होती है जिसे हम सी वीड कहते हैं। द टर्म एलजी वॉज फर्स्ट यूज बाई कार्लस लिनियस इन 1753 में। कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था। उसने जो फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज की एलजी की, उसने 1753 में यूज की। उसके बाद विलियम हेनरी हार्वे, ये मॉडर्न जो एलजी है उसके फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं विलियम हेनरी हार्वे। ये था हमारा हिस्ट्री टोटली। आप इसके बाद हम इसके आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। द टर्म एल जी इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सियानो बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल जी एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो टर्म है एल जी की, इसमें प्रोकैरियोटिक एल जी भी हैं और यूकैरियोटिक एल जी भी आते हैं। द स्टडी ऑफ एल जी इज नोन एज फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कहते हैं। द वर्ल्ड फाइकोस सीवीड एंड लोगोस मीन स्टडी। इसके बाद हम आते हैं एलजी आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलेटिवली सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक्वेटिक थैलाइड विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू ट्रू रूट स्टेम लीव्स और लीफ ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो एलजी होती है ये क्लोरोफिलस होती है। जब ये क्लोरोफिलस होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी। जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेगी। तो हम कहेंगे ना ये ऑटोट्रॉफ है। और फोटोसिंथेसिस करेगी तो फोटोसिंथेसिस के जो हमें प्रोडक्ट में हमें मिलती है वो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग भी है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो अर्थ पर 50 से 80% जो ऑक्सीजन है वो मैराइन एलजी से ही आती है। हमें जो मैराइन एलजी से जो अर्थ का 50 से 80% जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो मैराइन एलजी से ही आती है। और इसके बाद एक थैलाइड की टर्म यूज हुई है। जो थैलाइड है ये एलजी की जो बॉडी को ही कहते हैं जिसमें हम उसके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इट इज ए सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा डिवीजन है ये सब ग्रुप है। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स को रखे गए हैं, एक एलजी को एक फंजाई को, क्योंकि इन दोनों की जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। इन्हें किंगडम एनिमेलिया एनिमे और किंगडम फंजाई में से इनको निकाला गया था। तो इनके कुछ फीचर्स थे जो उनसे डिफरेंस भी थे। तो इन्हें फिर रखा गया था सब डिवीजन जो थी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जस्ट ये टू स्पीशीज ही आती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉफिक बट फ्यू आर मिक्सोट्रॉफिक एंड मेसोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक तो आपको पता है जो लाइट की मदद से जो फोटोसिंथेसिस अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं हम उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। पर कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक भी होती हैं। मतलब वो अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मूड से भी करते हैं और हेटरोट्रॉफिक मूड से भी करते हैं। उसके बाद है टर्म हुई है मेसोट्रॉफिक। कौन से होते हैं? सकिंग थ्रो स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर। ये अपनी जो खुराक सक करते हैं इनके पास कोई स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अपनी फूड स्ट्रक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी पर। एक तो एलजी की बॉडी होती है थैलाइड प्लांट बॉडी। हम
हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थैलाइड प्लांट बॉडी, जिसके हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और ये सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा में रखा गया था इसे। इन एचलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एलजी आर प्लेस इन द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा अलॉन्ग विद फंजाई एंड लाइकन्स। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो एलजी है ये डिवीजन थैलोफाइटा में ही रखा गया है, जिसमें फंजाई और लाइकन्स को। लाइकन जो होता है ये फंजाई और एलजी का जो कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक, वो हमारे पास होता है लाइकन्स। एलजी आर ऑटोट्रॉफ, सिंथेसाइज फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एलजी डिफर फ्रॉम फंजाई इन, अब जो एलजी है ये फंजाई से किस तरह डिफरेंट है, किन बेस पे डिफरेंट है? एक तो होती है प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। जो फंजाई होते हैं ये होती है ए क्लोरोफिलस, इस ए क्लोरोफिलस होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तो ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। जब ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करेगी तो ये हेटरोट्रॉप होगी, और अगर हम एलजी की तरफ आएं तो ये क्लोरोफिलस होती है। जब ये क्लोरोफिलस होगी तो अपनी फोटोसिंथेसिस करेगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेगी और हम इसे ऑटोट्रॉफ कहेंगे। सेकेंड है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉफ होता है, और वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन उनके डिफरेंट है। हमने उसको नेक्स्ट लेक्चर में, हमने प्रीवियस लेक्चर में उनको डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिसमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फंजाई का था सेप्रोफाइटिक भी था, उसमें पैरासाइटिक फंजाई भी था, तो ये उसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन थे। मेजोरिटी ऑफ एलजी आर इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड सम एलजी आर टेरेस्ट्रियल एलजी। कुछ एलजी हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसमें फ्रेश वाटर आता है और मैराइन इन्वायरमेंट आता है, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी। हम इसको नेक्स्ट पॉइंट्स में अभी डिस्कस करेंगे डीपली के साथ, एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन से हमारे पास एलजी की स्पीशीज आती है और टेरेस्ट्रियल में कौन सी आती हैं। एलजी आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन्स। जो एलजी है वो वर्ल्ड के हर पार्ट में, हर कोने पर है, सिवाय आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन्स में। ये यूनिवर्स अकरेंस है, मतलब स्टार्ट से ही यहाँ पर एलजी ग्रो नहीं कर सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। ये पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, इनमें जो एलजी होती है वो स्टार्ट से ही सरवाइव नहीं कर सकती। और ये वही इलाके हैं जहाँ पर ओजोन डिप्लीशन हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं सेक्स ऑर्गन्स लैक जैकेट सेल्स अराउंड देम। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एलजी के, हम इसकी करेक्टिटिक्स को डिस्कस करें। जो एलजी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके बाहर जो प्रोटेक्टिंग कवर होता है, जैकेट होती है, वो नहीं होती। सेक्स ऑर्गन्स लैक जैकेट सेल्स अराउंड देम। इसके बाद है देयर इज ए प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अलगल ग्रुप्स। इसमें पहले एलजी के हम सिंपल से किसकी तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखें, हमारे पास गेमेटोफाइट जो होता है, गेमेटोफाइट्स हमारे पास गिमेट्स बनते हैं जो हप्लाइड होते हैं, एंड एंड होते हैं, जब आपस में मिलते हैं सिनगेमी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बनाते हैं जाइगोट। अब जाइगोट से इन ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो, लेकिन इन एलजी की कंडीशन में जाइगोट से आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, एम्ब्रियो से आगे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि हप्लाइड होता है, फिर वो स्पोर से आगे गेमेटोफाइट में होता है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे जब हम एलजी के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, तो हम इसको डीपली स्टडी करेंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन किस स्टेज पर नहीं होती। शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एलजी में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें दो होते हैं साइकिल, देखिए, एक होती है हमारे पास गेमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट से हमारे पास, गेमेटोफाइट जो होता है वो हमारे पास होता है सिंगल एन होता है, हप्लाइड होता है, ठीक है, हमारे पास हप्लाइड होता है और उसमें माइटोसिस होती है। हप्लाइड होता है हमारे पास, उससे हमारे पास सिंगल हप्लाइड सेल, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, स्पर्म हो रहा है, जब वो आपस में सिनगेमी करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उससे हमारे पास जाइगोट बनता है, ठीक है, जो हमारे पास टू एन होता है। जब जाइगोट से आगे हमारे पास फिर स्पोर्स बनता है,
एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोर्स जाइगोट से जो स्पोर्स बनता है वहाँ पर मियोसिस होती है, फिर स्पोर से आगे गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट से जाइगोट, जाइगोट से स्पोर, स्पोर से, इस तरह ये साइकिल होता है। डिस्टिंक्ट जो जनरेशन होती हैं, मतलब डिस्टिंक्ट जो हमारे पास होता है, एक स्पोरोफाइट होती है, एक गेमेटोफाइट होती है। हम इसको लाइफ साइकिल में बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि एक के बाद दूसरा साइकिल आ रहा है, फिर एक के बाद दूसरा, वो हमारे पास रिपीट होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोकैरियोटिक, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्जी, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक्स जो सेलुलर इसके ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रोकैरियोटिक भी होती है और यूकैरियोटिक भी होती है। आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में, कि इनमें न्यूक्लियस का भी डिफरेंस होता है, एक में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरे में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। देखें ये आपको ब्लू ग्रीन एल्जी नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू ग्रीन एल्जी। हम इसके बाद आते हैं एक्रेंस ऑफ एल्जी पर, फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर, मैराइन, ऑन रॉक्स, विद इन प्लांट्स आर एनिमल्स। जो एल्जी होते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में होते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, मैराइन में भी मिलेगी, रॉक्स में भी मिलेगी जो टेरेस्ट्रियल में आते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में भी हमें एल्जी मिलेगी। एक्वेटिक फॉर्म्स आर मोस्ट कॉमन होते हैं, जो एल्जी होती है उसका जो मोस्टली हैबिटेट होता है, जहाँ पर वो सर्वाइव करती है, जहाँ पर मोस्टली हमें दिखाई देती है, वो कौन सी फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म्स है, ठीक है। हमें वो मैराइन लेवल पर ज़्यादा पाई जाएगी, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाई जाएगी निस्बत के टेरेस्ट्रियल के। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एल्जी आर क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स में, सॉरी फोर ग्रुप्स में, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर ग्रुप्स में, ठीक है, ये मैं भूल गया था थोड़ा सा, ठीक है, फोर ग्रुप्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला जो है एक्वेटिक फॉर्म्स में, दूसरा है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, थर्ड है पैरासाइटिक एल्जी, जो फोर है एल्जी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स में, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे। पहला आता है एक्वेटिक एल्जी, ठीक है, पहला हमारे पास है एक्वेटिक एल्जी। मोस्ट ऑफ एल्जी आर एक्वेटिक होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर में, लेक्स, फ्रेश वाटर में आप कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, एक लेक्स आते हैं, पोन्ड्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, डेचिज आते हैं, टैंक्स, स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है, और सी में आते हैं मैराइन इन्वायरमेंटल, ठीक है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर आता है और मैराइन लेवल आता है। फ्रेश वाटर में हमारे पास लेक्स हो गए, मतलब झील हो गए, दरिया हो गए, टैंक्स हो गए, और कुछ तालाब वगैरह हो गए। जब हम सी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सी लेवल आता है, ओशन मैराइन लेवल ही आता है। उसके बाद बॉटम डिवेलिंग, अब हम कुछ टर्म्स को यूज़ करेंगे एलजी के फॉर्म में, जब एलजी में कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब एलजी के हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो बजाय इसके कि हम पूरी स्टेटमेंट लिखें फिर हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, तो इधर हम कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं। बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बेंथोफाइट्स, ठीक है, बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बेंथोफाइट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो बॉटम में पाए जाते हैं, मैराइन लेवल में बॉटम में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंथोफाइट्स, ठीक है, बेंथिक एलजी भी कहेंगे। अगर वो एलजी पाई जाएगी तो हम क्या कहेंगे, बेंथिक एलजी, और मे बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज आर कॉल्ड फाइटो प्लैंकटिन, ठीक है। अगर हमारे पास ये प्लांट्स वगैरह या ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास होते हैं वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो हम उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं फाइटो प्लैंकटिन की करते हैं, ठीक है। अब देखें अगर ऑर्गेनिजम्स मैराइन लेवल के बॉटम में सर्वाइव करता है, वहां पर वो ग्रो करता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेंथोफाइट्स, ठीक है। अगर वो एल्जी होगी तो बेंथिक एल्जी, अगर वो ऑन द सरफेस से ग्रो करता है उसके लिए हम करते हैं फाइटोप्लैंक्टिन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्जी आर कॉल्ड यू प्लैंक्टिन, ठीक है। अब यू प्लैंक्टिन जो टर्म है वो हम एल्जी में यूज करेंगे, बजाय इसके कि हम कहें उसे फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्जी, ठीक है, इस सब के लिए हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एलजी क्या होता है, यू प्लैंकटिन होता है, ठीक है। अब यू प्लैंकटिन से आप देख लेना कि ये वो एलजी हैं जो ऑन दी बॉडी ऑफ वाटर सरफेस पर ग्रो करती हैं, ठीक है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंकटिन है हमने अभी स्टडी किया कि ये प्रेजेंट होती है सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज पर, ठीक है। तो हम इसके लिए एलजी में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है एलजी, यू प्लैंकटिन है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, फाइटोप्लैंकटिन। जो फाइटो प्लैंक्टिन है, देखें फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है, तो जो यू प्लैंक्टिन है ये हम एलजी के लिए यूज करेंगे, जो फाइटो है वो प्लांट के लिए। अगर प्लांट
ओशन या सी लेवल की सरफेस पर ग्रो करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे, अगर एल्जी ग्रो इसे सर्वाइव करते हैं हम उसे कहेंगे यूट प्लैंक्टन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है क्ले मेडोमोनास कॉस्मेरियम, ठीक है ये हमारे पास है। इफ दे आर फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर ये स्टार्ट से ही फ्री फ्लोटिंग हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आती हैं एल्जी की वो आते हैं क्लेडोफोरा, ओइडोगोनियम, जिग्नेमा, ठीक है हमारे पास ये एल्जी। इफ अटैच इन द बिगिनिंग बट लेटर गॉट डिटैच एंड बिकेम फ्री फ्लोटिंग। देखिए अब एल्जी हमारे पास, हमने कहा कि जो जू प्लैंक्टिन होता है वो सी लेवल पे या वाटर के ऊपर ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। अगर वो स्टार्ट से ही मतलब वाटर पर ग्रो करता है, उसके साथ जुड़ा होता है, तो उसमें जो एग्जाम्पल आएंगी वो होती होंगी क्लैडोफोरा, विडोगोनियम, जैकनीमा, ठीक है। अगर एल्जी स्टार्ट से तो उससे जुड़ी हुई हो, वाटर पर ग्रो करे, जुड़े, बाद में डिटैचिज हो जाए, ठीक है, फिर ही फ्लोटिंग हो जाए, तो उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। कुछ आप देख लें कि कुछ स्टार से जुड़ी हुई होती हैं और वहीं पर ही सर्वाइव करते हैं, कुछ स्टार से वाटर बॉडीज के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाद में फ्री फ्लोटिंग हो जाती हैं। हमारे पास ये टाइप्स में आ रहे हैं। समटाइम्स प्लैंक्टोनिक एल्जी शो यूटेंसिव ग्रोथ इन द वाटर बॉडीज एंड इम्पार्ट ग्रीनिश कलर टू वाटर, दिस इज नोन एज वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम। देखें हम मोस्टली जब एल्जी को सी लेवल पर या मैराइन लेवल पर देखते हैं तो आपको सब ग्रीन में नजर आएंगी, आपको रोडोफाइटा वहाँ पे ग्रीन में नजर आएगी जो कि रेड एल्जी होता है, आपको फियोफाइसी नजर आएगी, आपको ग्रीन, ब्लू, ब्लू ब्राउन, सब आपको मोस्टली ग्रीन में नजर आती हैं। हम कहेंगे यार ये तो सारे ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, ये तो रेड एल्जी भी नहीं है, क्यों नहीं है? अब उसको ये देखें, अब ये टर्म समझें वाटर ब्लूम या अल्गल ब्लूम की। जब भी कोई यू प्लैंक्टिन एल्जी, ठीक है प्लैंक्टोनिक भी कह सकते हैं, यू प्लैंक्टिन भी आप कह सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हैं वाटर बॉडीज पर, तो वो हमें कौन सा कलर इम्पार्ट होता है? ग्रीनिश कलर होता है। तो वो हमें कौन सा लगता है? ग्रीनिश। अगर हम उसके किसी भी एक पार्ट को स्टडी करें, हम उसको देखें, तो फिर हमें वो रेड एल्जी भी नजर आएगी। अब इसकी एग्जाम्पल है क्लोरेला, ठीक है, माइक्रोसिस्ट्स, माइक्रोसिस्ट्स, हम इसकी पिक्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्लोरेला, ठीक है, ये हमारे पास क्लोरेला है। देखें ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव फैली हुई है एल्जी, तो ये हमें क्या ग्रीनिश कलर हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास है माइक्रोसिस्ट्स, कहाँ पे गया माइक्रोसिस्ट्स, अच्छा माइक्रोसिस्ट को हम देखेंगे, ये रही हमारे पास माइक्रोसिस्ट, ठीक है। ये जो माइक्रोसिस्ट एल्जी है ये भी आपको ग्रीनिश कलर देगी, जब भी आप इसको मैराइन लेवल पर देखेंगे तो ये आपको ग्रीन कलर में ही नजर आएगी। इसके अलावा देखें आपको ओइडोगोनियम भी नजर आ रहा है, आपको बाकी एल्जी भी नजर आ रही है, सब आपको ग्रीन नजर ही आती है, ठीक है ना। वो आप ये देख लें वो क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, जब वो एक्सटेंसिव वाटर बॉडीज पर पहले होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम हमें ग्रीनिश कलर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की। हम ये जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्वेटिक एल्जी कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है हैबिटेट की, ठीक है। एक्वेटिक में हमने कुछ टर्म्स को भी डिस्कस किया और हम अपने फ्रेश वाटर को अब डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर फॉर्म सच एज वॉलवॉक्स, हाइड्रोडेक्टाइन, क्ले मेडोमोनास ग्रो इन द स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में जो एल्जी की टाइप स्पीशीज रहती हैं वो है वॉलवॉक्स, जो कि कॉलोनी बना के रहती है, हाइड्रोडेक्टाइन, क्ले मेडोमोनास। इन स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? वो वाटर जो स्टार्ट में तो मतलब फ्लो कर रहा होता है, फिर कहीं पर जाकर वो रुक जाता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है रुक जाती है, तो वहां पर एल्जी जब स्टार्ट ग्रो करने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। जिस तरह आप देख लें कि कोई रिवर्स होता है, जब वो फ्लो कर रहा होता है तो वो हमारे पास रनिंग वाटर में आ जाता है, जब वो हमारे पास रिवर्स की पानी ख़त्म हो जाता है, जो वहाँ पर डिटैचेज होते हैं, गड्ढे होते हैं, वहाँ पर पानी रुक जाता है, तो वो हमारे पास होता है स्टेगनेंट वाटर में। या आपको जिस तरह स्ट्रीट्स वगैरह में बारिशें आती हैं, तो बारिशों का फ्लो से तो पानी चल रहा होता है, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो पानी वहीं पर ही जमा हो जाता है, वहाँ पर एल्जी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, ये होता है स्टेगनेंट वाटर होते हैं, जिसमें हमारे पास क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, यूलो थ्रेक्स प्रीफर टू ग्रो इन साइड स्लो रनिंग वाटर। अब जो ये स्पीशीज हैं क्लेडोफोरा, विडोगोनियम, यूलोथिरॉक्स, ये ग्रो कब करते हैं? जब वाटर स्लो रनिंग में हो, ठीक है। अब आप ये माइंड में रखिएगा, जो फ्रेश वाटर है उसमें
डिफरेंट टाइप्स की तो आती हैं, वॉलवॉक्स हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए, विडोगोनियम हो गया, क्लैडोफोर हो गया। अब उसमें आप ये रखें कि कुछ स्पीशीज हैं जो स्टैगनेंट वाटर में ग्रो करती हैं और कुछ स्पीशीज हैं जो स्लो रनिंग वाटर में करती हैं। इनकी आपको स्पीशीज के नाम आने चाहिए, ठीक है। एल्जी ग्रो इन रनिंग वाटर इज कॉल्ड लोटिक एल्जी, वाइल इन स्टैगनेंट वाटर इज नोन एज लेंटिक एल्जी। अब ये भी टर्म्स यूज हो रही हैं एल्जी में जब हम डिस्कस करेंगे। अगर एल्जी रनिंग वाटर में ग्रो करेगी तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लोटिक एल्जी। अब हम जब बात करेंगे तो हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि एल्जी ग्रो इन रनिंग वाटर, हम जस्ट लिख देंगे कि इडियोनोगोनियम क्लैडोफोर क्लेमेडोमोनास हो गए, हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, लोटिक एल्जी है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे स्टैगनेंट वाटर में कौन सी होती है, हम कहेंगे वही क्लेमेडोमोनास हो गया, हाइड्रोडेक्टाइन हो गया, वॉलवॉक्स हमारे पास है लेंटिक एल्जी, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे बार बार डिस्कस करने से। ये आपका ही बेनिफिट है क्योंकि आपको थोड़ा इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स हैं आपस में जो रिजेंबल्स करती हैं और ये टर्म्स ही हमें बेनिफिट देंगे, बजाय इसके कि हम पूरी स्टेटमेंट को लिखें या हम एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट को लिख के उसे समझाएं कि भाई ये एलजी यहाँ पे सर्वाइव करती है, ग्रो करती है। हम जस्ट टर्म्स लिखेंगे ये हमारे पास लोटिक एलजी है और ये हमारे पास लेंटिक एलजी है, ठीक है। सम ऑफ मैराइन एलजी आर नोन एज कैल्प्स मे रीच अप टू मोर देन 70 मीटर, जिसमें मैक्रोसिस्ट पायरीफिरा आता है। मैराइन एलजी में कैल्प्स होते हैं, जो कैल्प्स होते हैं ना वो हमारे पास मोस्टली एडिबल होते हैं, और ये जो कैल्प्स होते हैं ये माइक मैक्रोसिस्ट पेरीफेरा इसके एग्जाम्पल है। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ में होता है और हम इसकी पिक्स में देखते हैं, ये देखें जब आपको मैक्रोसिस्ट पेरीफेरा नज़र आ रहा है, ठीक है, मैक्रोसिस्ट पेरीफेरा नज़र आ रहा है जो कि कैल्प्स है, ये आपको मैराइन लेवल पे पाया जाता है। बाकी एल्जी से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके आप बाकी एग्जाम्पल भी आप सर्च करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने वो लिखे हैं जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आपको एलजी के, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको आपको आप साथ के साथ देखते जाएगा, फोकस करते जाएगा, क्योंकि आपको माइंड में आ जाए जब भी आप किसी चीज़ की पिक देखें तो आपको उस एलजी का नाम जहन में आ जाए। जब आप किसी एलजी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके माइंड में पिक आ जाए कि भाई मैंने कैल्प से देखा था जो मैक्रोसिस्ट पायरीफेरा था, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मैराइन एलजी में आता है कैल्प्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्लैडोमोनास को देखा, हमारे पास ये है क्लैडोमोनास, फिर हम कॉस्मेरियम को देखा, फिर हमने क्लैडोफोरा को देखा, देखें ये हमने ऊपर डिस्कस की है। तो ये देखें क्लैडोमोनास को देखा है, कॉस्मेरियम को देखा है, इसके बाद जैगनीमा को देखा, इडोगोनियम, जो ये सारी हमने एलजी हैं आप इनको इधर देख सकते हैं। देखो हमारे पास ये क्लैडोमोनास नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हमें कॉस्मेरियम नज़र आ रही है एलजी, फिर क्लैडोफोरा आपको ये नज़र आ रहा है, इसके बाद इडोगोनियम है जो देखें आपको ये रॉक्स पर भी नज़र आ रही है, ये आपको माउंटेन्स पर नज़र आ रही है, वहाँ पर सर्वाइव करती है, और जैगनीमा नज़र आ रही है आपको। इसके बाद क्लोरेला जो कि अलगल ब्लू में है, माइक्रोसिस्ट वॉल वॉक जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं, उसके बाद हाइड्रोडेक्टाइन जो कि हमने इधर डिस्कस किया है, फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में होता है, स्टैगनेंट वाटर में ग्रो करता है, ये आपको वाटर नेट की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। देखें ये आपको ये नेट्स की फॉर्म इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नेट्स की फॉर्म में आपस में नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये वाटर नेट होता है। इससे ये जो एल्जी टाइप की एल्जी होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोडेक्टाइन। उसके बाद हमने कैप्स को देखा, उसके बाद ऑस्किलेटोरिया है जो हम नीचे हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको पीक देखेंगे। अब फ्रेश वाटर प्लैंकटिन एलजी को देखते हैं हम, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में प्लैंकटिन एलजी है उसको हम देखें कि जो फ्रेश वाटर में वाटर की सरफेस की बॉडी पर जो एलजी ग्रो करते हैं उसमें क्लोरेला आ गया, क्ले मैडोमोनास आ गया, वॉलवॉक्स हो गया, और माइक्रोसिट्स आ गए, ठीक है। अब आप इनको आप ऐसे भी बता सकते हैं, मैराइन फ्रेश वाटर बेंथिक एलजी में, जो बेंथिक एलजी है वो मैंने आपको बताया वो बॉटम में होता है, तो आप उसको बता सकते हैं हमारे पास क्लेमेडोमोनास, दोनों को मिक्स अप करके आप फ्रेश वाटर में बता सकते हैं। अगर आप किसी को डीपली बताना चाहें तो आप उसे कहें कि भाई फ्रेश वाटर में दो टाइप्स की एलजी आती है, एक प्लैंकटोनिक एलजी आती है, एक बेंथिक एलजी आती है। जब आप प्लैंकटोनिक एलजी की बात करें जो वाटर की सर्फेस पर ग्रो करते हैं, उसमें क्लोरेला आ गया, क्लोमेडोमोनास आ गया, वॉलवॉक्स आ गया। अगर हम बेंथिक एलजी की बात करें जो मैराइन लेवल के बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म होता है वहां पर जो ग्रो करता है, उसमें आ जाता है बैट्रैकोस्पर्मम, कारा, क्लैडोफोरा, ठीक है। इसको आप इजीली बता सकते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद मैराइन प्लैंकटोनिक की हम बात करते हैं,
जो मैराइन लेवल पर, ठीक है, मैराइन लेवल पर जो सरफेस पर वाटर बॉडीज की ग्रो करते हैं उसमें आ जाता है क्लेमाइडोमोनास, साइक्लोटेला, ट्राइकोडेस्मिया, ठीक है। उसके बाद मैराइन बेंथिक एल्जी की बात करते हैं, उसमें आ जाता है एसिटा बुलेरिया, कोलेरपा उल्वा जो कि क्लोरोफाइसी का ही स्पीसीज है, एक्टोकार्पस। उसके बाद हमारे पास आता है पोलीसिफोनिया पोरफिरा, ठीक है, जो राइडोफाइसी की एल्जी है। यहाँ पर आपको ये देख लें, ये आपको कारा एल्जी नज़र आ रही है, ये आपको बैट्रेकोस्पर्मम नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि रोक के साथ ही अटैच है। ये पोलीसाइफोनिया नज़र आ रही है, जो कि रोडोफाइसी की ही स्पीशी है और ये रेड एल्जी होती है, ठीक है, ये आपको रेड भी नज़र आ रही है। और ये आपको असीटा बुलेरिया नज़र आ रही है, जो हमने ऊपर टंग्स यूज किया, ये असीटा बुलेरिया, ये कोलेरपा है और ये यूल्वा है, उल्वा, और ये एक्टोकार्पस है, ठीक है, जो कि रेड एल्जी है, उल्वा एक्टोकार्पस। आप इनको एक बार फोकस के साथ मजीद देख लें, ठीक है। हमने मैराइन बेंथिक एल्जी को भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल। हमने एक्वेटिक में क्या डिस्कस किया, हमने एक्वेटिक में थोड़ा कुछ जनरल डिस्कस किया, उसके बाद हमने फ्रेश को, फ्रेटर को डिस्कस किया और उसके बाद मैराइन को डिस्कस किया। फ्रेश वाटर में हम प्लैंक्टोनिक एल्जी को डिस्कस किया कि कौन कौन से आते हैं, और फ्रेश वाटर में हमने बेंथिक एल्जी को भी डिस्कस कर दिया, और हमने मैराइन लेवल में फ्रेश मैराइन लेवल में प्लैंक्टोनिक एल्जी को भी डिस्कस किया और बेंथिक एल्जी को भी डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास है टेरेस्ट्रियल एल्जी क्या होता है। एल्जी विच ग्रो ऑन और इनसाइड द मेसोजोइक आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्जी। जो हमारे पास एल्जी टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर ग्रो करते हैं, या किसी रॉक पर या किसी लैंड पर हमारे पास जो ग्रो करते हैं, हम उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्जी, जिसमें एग्जांपल है वेचेरिया एंड बोटरीडियम, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। ग्रो ऑन द सोयल सरफेस आर नोन एज सेपोफाइट्स। अगर हमारे पास एल्जी सोयल सरफेस पर ग्रो करें, ठीक है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो करते हैं सेपोफाइट्स की। ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल एल्जी था। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासाइट एल्जी की, जो थर्ड एग्जांपल है। एल्जी विच ग्रो ऑन सम प्लांट्स एंड कॉज प्लांट डिजीज, ठीक है, वो एल्जी जो प्लांट पर ग्रो करती है और उनमें डिजीज काज करती है, वो हमारे पास पैरासाइटिक एल्जी होती है। क्योंकि पैरासाइट को आपको पता है, ये जहां पर भी ग्रो करेगा ये वहां से बेनिफिट तो हासिल करेगा, रहने के लिए आपको शेल्टर, ये शेल्टर वहां से लेगा, जो फूड वहां से हासिल करेगा आपके होस्ट से, लेकिन इन रिटर्न होस्ट को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, नुकसान कर देगा, उसकी बाद बार डेथ भी करा सकता है, उसमें डिजीज काज भी कर सकता है। उसमें सिफेलरियस वेरेसेंस पैरासाइट ऑन टी लीव्स एंड काज रेड रस्ट डिजीज इन देम। देखें, ये आपको डिजीज पैरासाइट एलर्जी की नज़र आ रही है, जो कि टी लीव्स पर आपको ये नज़र आ रही है। देखें, ये डिजीज काज कर रही है, पैरासाइटिक एलजी है। हार्विलिया मिराबिलिस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड लैक पिगमेंटेशन होता है। जो ये हमारे पास डिजीज होती है, ये एलजी हमारे पास पैरासाइटिक एलजी, इसके पास पिगमेंट्स नहीं होते। जब इसके पास पिगमेंट्स नहीं होंगे तो ये हो सकता है ये क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस ना कर सके, लेकिन हमने ये देखा कि जो एलजी होती है वो करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिलस होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसके पास पिगमेंट्स नहीं होते। ये ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं जहाँ पर इसे कुछ न्यू रिक्वायर्ड पिगमेंट्स होते हैं, वहाँ पर उसके पास नहीं होते, तो ये किसी भी होस्ट पर सर्वाइव करती है, वहाँ से उसके पिगमेंट्स या उन चीज़ों को यूज़ करती है और वहाँ से फूड हासिल करती है। उसके बाद हम करते हैं एल जी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। एल जी कुछ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं, एक है हेलोफाइटिक एल जी, ठीक है, ये टर्म्स आ रही हैं। हेलोफाइटिक एल जी कौन सी होती है। एल्जी प्रेजेंट इन हाईली सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर होता है जिसमें वाटर में सॉल्ट्स, आप कह सकते हैं कि सेलाइन वाटर में जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली मिकदार हो, तो उसमें हम कहते हैं सेलाइन वाटर होता है, ठीक है। उसमें डूनालिलिया एग्जाम्पल है। उसके बाद एपीफाइटिक एल्जी होता है हमारे पास। एल्जी ग्रोन ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स। अगर एल्जी किसी प्लांट्स की सर्फेस पर ग्रो करता है तो हम उसे कहेंगे एपीफाइटिक। एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, एपी मीन्स अप, अबव, तो उसके एग्जांपल है विडोगोनियम। उसके बाद हमारे पास है एपीजोइक। अगर एलजी किसी एनिमल्स के ऊपर ग्रो करे, ठीक है, तो उससे कहेंगे एपीजोइक। एपी माने अप, अबव, जोइक मीन्स होता है एनिमल्स, ठीक है, फाइटिक मीन्स प्लांट होता है। जब एपीफाइटिक की बात आएंगे तो हम कहेंगे जो एलजी होता है वो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जब एपीजोइक की बात होगी हम कहेंगे जो ये प्लांट एलजी होती है ये एनिमल्स के अबव ग्रो करते हैं। इसमें आता है क्लेडोफोरा ग्रोज ऑन दी शेल्स ऑफ स्नेल। जो स्नेल्स के शेल्स होते हैं ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लेडोफोरा एलजी ग्रो करते हैं।
उसके बाद एंडोजोइक एल्जी सेम इसी तरह, एंडो मीन्स इंटर, अंदर, इंटर का लफ्ज होता है ना ई एन टी आर, इंटर ई एन, एंडोजोइक ई एन, दोनों का ई एन आ रहा है ना, तो इंटर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ से थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिएगा, एंडोजोइक होता है किसी चीज़ के इनसाइड, एल्जी ग्रोइंग इनसाइड द एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जू क्लोरेला ग्रो इनसाइड हाइड्रा, ठीक है। इसके बाद सिम्बायोटिक एल्जी है, कुछ एल्जी होते हैं वो म्यूचुअल एसोसिएशन की वजह से ही सर्वाइव करते हैं, जिसमें फाइकन और लाइकन्स हो गया, जिसमें फंजाई और एल्जी होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई इन लाइकन्स। अगर हम ड्राई फर्ड्स में देखें तो एंथीसरोस होता है, अगर ट्रीडियोफाइट्स में देखें तो अजोला होता है, अगर जिम्नोस्पर्म में देखें तो कोरोलाइट रूट्स ऑफ सयास एंड इन एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें एक दो एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब लिथोफिलिक एल्जी कौन से होते हैं, विच ग्रोज ऑन रॉक्स, कार्ड पोलीसिफोनिया या एक्टोकार्पस। आपको पोलीसिफोनिया मैरान में भी नजर आएगी और आपको ये रॉक्स पर भी नजर आएगी। कुछ लिथोफिलिक एल्जी हम उसे कहेंगे जो एल्जी रॉक्स पर ग्रो करेगी, उसे हम कहेंगे लिथोफिलिक एल्जी है ये, ठीक है। उसमें एक्टोकार्पस आ गया और पोलीसिफोनिया, इनकी हम आपको ये आप देखें, ये एक्टोकार्पस है हमारे पास, ठीक है, एक्टोकार्पस है रेड एल्जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटिक एल्जी कौन से होते हैं, ग्रोथ एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। जो एल्जी किसी भी एनिमल या पैरासाइट प्लांट्स पर ग्रो करती है तो वो हमें कहते हैं पैरासाइटिक एल्जी। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जिसमें हमारे पास फिलेरियस इज ए पैरासाइट ग्रीन एल्जी ग्रो ऑन द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स कॉजिंग रेड रस्ट डिजीज है। उसके बाद है थर्मोफाइटिक एल्जी क्या होती है, वो एल्जी जो हॉट वाटर में ग्रो करती है, जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 65 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दे ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 65 टू 85 डिग्री सेल्सियस। उसकी जो एग्जांपल है हेट्रोहार्मोगोनियम है, ठीक है, हेट्रोहार्मोगोनियम एग्जांपल है। उसके बाद है फ्लूवियटाइल एल्जी, ठीक है, फ्लूवियटाइल एल्जी, एल्जी फाउंड इन रैपिडली रनिंग वाटर सच एज वाटरफॉल्स। उसका एग्जाम्पल है यूलो थ्रेक्स, अक्कर इन माउंटेन्स वाटरफॉल्स होता है। इसमें कुछ एल्जी ऐसी भी होते हैं जब वाटरफॉल्स का होता है माउंटेन से, वहाँ पर भी ग्रो करती हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो एंड हुआ, तो नेक्स्ट हम पार्ट में हम देखेंगे इसके इस लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और हम इसके रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके आगे इसको क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। लेक्चर को आप लाजमी एक बार फिर आप सुनिएगा और इसके पार्ट 1, 2, 3 जिस तरह हम इसको सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, आप इसको लाजमी आप तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एलजी की आज हमने जनरल चीज़ों को डिस्कस किया है, जो आगे हम इसकी जब हम क्लासिफाई करेंगे, जब हम इसके आगे स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे तो यही टर्म्स हम आगे यूज़ करेंगे। उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे ये बेंथिक एलजी वो एलजी होती है जो बॉटम में सर्वाइव करती है मैरन के लिए प्लांट, हम उस वक्त हम जस्ट टर्म यूज़ करेंगे ये हमारे पास बेंथिक एलजी है, ये हमारे पास फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्जी है, तो हम टर्म यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको ये लेक्चर आपको बड़े फोकस करके आपको लेसन करना होगा, ठीक है। लाइक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।